लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत तो सभी ने सुनी ही होगी और यह सच भी है। अगर किसी के हौसले बुलंद हों तो कोई भी उसे ऊंचाई पर पहुँचने से नहीं रोक सकता, भले ही उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। जम्मू कश्मीर के एक ऐसे ही क्रिकेटर हैं जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों को अनदेखा कर अपनी प्रतिभा पर ध्यान दिया और उसे निखारा। क्रिकेट हाथों का खेल है, बिना हाथ के क्रिकेट खेलना लगभग नामुमकिन सा ही लगता है और इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर के आमिर हुसैन लोन ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट खेलने के लिए हाथों की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। बिना हाथ के क्रिकेट खेलने की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप आमिर हुसैन लोन से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सोच कितनी गलत है, क्योंकि आमिर हाथ न होते हुए भी न सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर पारा क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। आमिर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। आमिर का बचपन से बस यही सपना था कि वे एक क्रिकेटर बने। बचपन में आमिर के हाथ बैट बनाने वाली मशीन की चपेट में आ गए थे और इस दुर्घटना में इनके दोनों हाथ कट गए। आमिर को बचाने के लिए उनके पिता ने अपनी सारी पूंजी उन्हीं पर लगा दी। आमिर के पिता बशीर अहमद बैट बनाने के कारखाने में काम करते थे। 3 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद आमिर ने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। अपनी दादी की मदद से उन्होंने डिसेबल्ड लोगों की तरह ही काम करना शुरू किया, पैरों से चीजें उठानी शुरू की। आमिर हुसैन के मुताबिक बिना मदद के सारे काम करना सीखने में उन्हें करीब 2 साल लगे। अब वे अपना ज्यादातर काम खुद ही करते हैं। आमिर पैरों से पेंसिल पकड़कर लिखते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। वह 12वीं तक की पढ़ाई भी कर चुके हैं। दोनों हाथ न होने के बावजूद आमिर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आमिर अपने बाएं कंधे और सिर के बीच में बल्ले को रखते हैं। आमिर का फेवरेट शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में किया गया फ्लिक है। इस शॉट को तेंदुलकर बड़ी अच्छी तरह से खेलते थे। श्रीनगर से 42 किमी दूर वेगम गांव के रहने वाले आमिर का कहना है कि वे तेंदुलकर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी तरह राष्ट्रीय टीम में खेलना चाहते थे। सचिन आमिर के लिए प्रेरणा है। आमिर हुसैन के टैलेंट को देखते हुए 2013 में उन्हें जम्मू कश्मीर की पारा क्रिकेट टीम में शामिल किया गया था और जल्द ही वे इस टीम के कप्तान भी बन गए। जम्मू दिल्ली और लखनऊ में खेलने के बाद अब हुसैन इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने का सपना देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी आमिर के हौसले को सलाम किया और एक वीडियो भी अपने ट्विटर पर शेयर किया।